सर ये तो आप बोल रहे हैं कि सच्चाई। आदिवासी के साथ धोखा हुआ है, सुनने में ये भी आता है कि कुर्मी लोगों के साथ भी धोखा हुआ है, काहे कि झारखंड जो बना है यानी कि कुर्मी लोग और हम लोग को मिला के झारखंड बात करेंगे, काहे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि काहे कि कुर्मी जो आदिवासी अपने को आपको मान रहा है, अपने आपको आदिवासी कुर्मी समाज लिखता है, उनके पास क्या क्या रिपोर्ट है कि वो ऐसे दावा कर रहा है। सबसे पहले पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिदिन जिस प्रकार से कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय के बीच में जो तकरार है, उस तकरार को कैसे करके सुलझाया जाए, चाहे कैसे करके नहीं होना चाहिए, चाहे विभिन्न प्रकार का हम लोग अभी TRI रेल रोको आप देखे थे, उसके बाद TRI का रिपोर्ट, TRI ने 25-26 को लोगों को बुलाया था। तो अभी हम लोग यही बात करेंगे कि एलोंग भी TRI गया था, यानी कि बुलाया कुर्मी लोगों को लेकिन गया एलोंग भी। अब एलोंग से पूछना चाहेंगे कि आप लोग क्या करने ये TRI गया थे और TRI जाना क्यों जरूरत पड़ गया, और विभिन्न प्रकार का सवाल ये आएगा, आप लोग बनाए रखिएगा। और सबसे पहले तो जिस हिसाब से आप लोग TRI गए, बुलाया कुर्मी लोगों को, आप लोग दूसरा दिन या उसी दिन गए थे है ना, तो आप लोग को क्यों जाना पड़ा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी सहकार को मेरा झारखंडी हूल जोहर। बात रहा कि हम लोग TRI निदेशक के पास क्यों गए, जाना इसलिए पड़ा विगत 1-1.5 साल से झारखंड बंगाल उड़ीसा में कुर्मी जाति द्वारा रेल टेका कार्यक्रम, डहर छेका कार्यक्रम, इन लोग अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होने के लिए आंदोलनरत है। और इस आंदोलन के दरमियान तरह तरह की ये आपका एक्टिविटी देखने को मिला। उसी दरमियान हमारे राज्य के मुख्य सचिव वार्ता के लिए कुर्मी नेताओं को बुलाया जाता है, उसके दरमियान कुर्मी नेताओं का ही एक के नहीं दो दो नेता उस बैठक का विरोध करता है और दूसरा नेता बंगाल से आकर झारखंड राज्य के मुख्य सचिव से मिल रहे हैं। ये आपके माध्यम से उन लोगों से सवाल करता हूं, भाई आपका कौन है नेता, पहले स्पष्ट कीजिए। वार्ता तो ठीक है, आप सरकार से साथ कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप अपना कुर्मी नेता को तो आप स्पष्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि जो आपका झारखंड सरकार का जो TRI रिपोर्ट 2004 में एक उल्लेख है कि मुजफ्फरपुर जिला में जो कुर्मी क्षेत्रीय महासभा का आयोजन होता है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मानभून क्षेत्र से 3 कुर्मी नेताओं ने वहां प्रतिनिधित्व किया। वो 3 कुर्मी नेता कौन थे? एक बात है जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे, काहे कि हमने प्रभात खबर के पेपर के माध्यम से देखा कि हमारे झारखंड के जो है नेता हरमोहन महतो और शीतल औदार, उसने एक शर्त पे वो लोग अपना उस बैठक में शामिल होने के लिए इनकार कर दिया, कहा कि वो लोग को कुर्मी समुदाय के या लोगों के ऊपर में, कई लोगों के ऊपर में केस लग गया है, जो कि सरकार उसको जब तक नहीं हटाएगा हम लोग शामिल नहीं होंगे, इस प्रकार का वक्तव्य हम लोग को मिला था। हाँ नहीं, ये तो आप लोग भी पेपर के माध्यम से ही हमको जानकारी प्राप्त हुआ कि अपने आप को कुर्मी नेता हमेशा प्रोजेक्ट होते हैं और दूसरी तरफ कौन कुर्मी नेता बंगाल से आकर सरकार से वार्ता करती ही है, ये दुर्भाग्य है। ऐसे आंदोलनकारी, अपने समाज के प्रति आंदोलनकारी अपना परिचय ही ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे कि सरकार किससे बात करेगा, बात ये है स्पष्ट। अच्छा, तो सीधी सीधी बात है, आदिवासी समाज के लोगों ने सवाल ये कर रहे हैं कि हरमोहन महतो और शीतल औदार जी जिस प्रकार से मोरी का जो रेल रोको अभियान में अहम भूमिका निभाए थे, और जब बातें होने लगा कि वो दोनों को वार्ता में शामिल होना चाहिए था या TRI में, उसमें शामिल क्यों नहीं हुआ,
इधर से सवाल किया जा रहा है कि बंगाल से आकर क्यों शामिल हुआ, बहुत सारे चीजें आगे भी बात करेंगे, बने रहिएगा। तो इसमें हम लोग देखा जाए कि बंगाल का जो भी ये है अजीत प्रसाद मातो, उनका नाम हमको मालूम है, क्योंकि हम लोग बातचीत करते रहते हैं तो मालूम है उनका आया। और आप जो TRI गए थे, आप जो वहां पे TRI से क्या बातें किए कि आपका पक्ष, या क्या बातें हुआ कि आप लोगों का बंद कमरे में, क्योंकि हमारा जनता देखना चाहती है, जनता जवाब जानना चाहती है, आपका TRI जाने का क्या ये था? देखिए स्पष्ट है, हमारा TRI के निदेशक को हमने ज्ञापन सौंपा और वो ज्ञापन तथ्य है, सरकार द्वारा एक प्रमाणित दस्तावेज के साथ हम लोग ने रखा, जैसा कि कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट भी आया है, वो जजमेंट को हम लोग दिखाया, शो किया, CRR रिपोर्ट पश्चिम बंगाल का, हमारा झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, झारखंड सरकार का TRI रिपोर्ट 2004, उड़ीसा गवर्नमेंट, उन्होंने बिल्कुल ही वो जाति को, पूर्वी जाति को OBC कैटेगरी में रखा है। तो ये चीज को हम लोग अवगत कराने के लिए ही ये आधार के साथ हम लोग उस संस्थान में अपना बात को रखा, और उनको एक हमारे से चूक ना हो बोलकर, क्योंकि इन लोग चूक हो गई है, बात वो आ रही है आप लोगों को माध्यम से, उनको पता चलता है ये चूक का शब्द बहुत प्रयोग हो रहा है, तो हम लोग इसलिए गए कि हमारे साथ भी वो चूक ना हो, कि हमारी जो हक और अधिकार जो है संविधान में भी जगह मिला है 13 में भारत सरकार का, तो उसमें चूक ना हो, छेड़छाड़ ना हो, इसलिए हम लोग उनको सावधान सचेत करने गए थे। इतने तथ्य के साथ, आप आधार के साथ आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये ऐसा ना करें कि हमारा जो मूल अधिकार जो है वो छीना ना जाए। दूसरी बात क्या है, हम आधार के साथ आपको बता रहा हूं, देखिएगा आदिवासी का ना सबसे विद्रोह जो हुआ है ना, लोग बहुत सारा आधार देता है अपना, तो उसी प्रकार मैं भी अपना समाज का जो हमारे पूर्वजों का जो कुर्बान को हम आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहूंगा। इतिहास हमारा गवाह है, 17वीं सदी में बाबा तिलका मांझी का जो विद्रोह होता है, 1857 में वीर सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में जो विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, बुधू भगत विद्रोह, चुहार विद्रोह, भूमिज विद्रोह, ये विद्रोह जो हुआ है मुगलों के साथ, ब्रिटिश के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने जमीन को बचाने के लिए, कि हमारी जो अस्तित्व है, हमारी जो जमीन है, ये किसी, हम दूसरों को हम बचने नहीं देंगे, यही मुख्य उद्देश्य हमारे पूर्वजों का रहा है, और वही विद्रोह का ही नतीजा है आज संथाल परगना में, छोटनागपुर में आपका CNT कानून बना। तो फिर आप बोलिएगा कि CNT में उन लोग भी तो आ रहा है। CNT तो सर हमको मालूम है, CNT में तो मातों का भी जमीन है, आपका भी CNT में जमीन है, तो दोनों CNT में क्या फर्क है? देखिए CNT और SPT जो कानून बना ना, उस जमीन को सुरक्षित करने के लिए ही वो बना गया है, इसीलिए तो ये बोल रहे हैं कि कुर्मी का भी CNT है। हाँ, कुर्मी का भी CNT है, लेकिन वो आधार नहीं है, आदिवासी अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होने का आधार नहीं है। CNT को आप अध्ययन करो, SPT एक्ट को अध्ययन करो, क्यों भारत में जरूरत पड़ा, या भारत से पहले का कानून है, 1908 का कानून है, ब्रिटिश द्वारा बनाया हुआ कानून है, ये क्यों जरूरत हुआ, इसको अध्ययन करने की जरूरत है। उस समय ने उन्होंने देखा, ब्रिटिश हुकूमत देखा,
मुगलों में देखा कि उस तरह से हम लोग किस तरह से उसके पास अत्याधुनिक अस्त्र था और हमारे पूर्वजों का सिर्फ तीर धनुष बांस का धनुष से, और वो जो हमारा एक धनुष का जो तीर वो आप लोग देख रहे हो, उससे आज उस ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ा, उसको आप परास्त भी किया, मुगलों से लड़ाई लड़ा उसको भी परास्त किया है, ये सच्चाई है। तब उन्होंने देखा ब्रिटिश सच्चाई चीज को देखा, सत्य चीज को देखा कि ये जो प्राणी है, ये जो समाज है, ये सत्य सरल अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए कुर्बान जो दिया इसी का नतीजा है। और उन लोगों ने बाध्य हुआ कि ऐसे समुदाय ये विलुप्त ना हो जाए, ये पूंजीपतियों या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये विलुप्त ना हो जाए, इसलिए वो कानून एक बना CNT और SPT एक्ट। जहां तक आपका देश स्वाधीन होने के बाद, झारखंड अलग होने के बाद, हमको लगता है 2006-07 में उन लोग CNT में आया है, 6-7 या 10-12 ऐसी कुछ है, हमको स्पष्ट उतना जानकारी नहीं है, लेकिन उसी दरमियान ही जब हमारे निर्दलीय हमारे मधुकड़ा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसी समय हमारे सुदिद्दा स्वर्गीय सुदिद्दा डिप्टी CM थे और हमारे आंदोलनकारी नेता हमारे तत्कालीन मंत्री मथुरा महतो जी संबंधित विभाग से थे और उन्हीं के विभाग से संबंधित ये CNT है, जो मामला, जो जमीन वाला मामला कुर्मी लोगों का, कुर्मी लोगों के लिए, ठीक है, कुर्मी लोगों को जो जोड़ा गया है तो कुर्मी नेता द्वारा ही मतलब वो राज्य सरकार ने देखा और उसको जोड़ने का एक मकसद है, दूरदर्शी मकसद है कि ये जो आए दिन झारखंड में बाहर से लोग घुसपैठी हो रहे हैं और वो उनके पास वही एक आधार दिख रहा था कि मातों का जमीन को आप ले लो और आप बस जाओ, आपका जीता जागता उदाहरण है। गमारिया क्षेत्र में देखिए, आदित्यपुर क्षेत्र में देखिए, किनकी जमीन थी, हमारे मातो भाई लोगों का ही ना जमीन था। आज उस क्षेत्र को देखिए कैसे वहां पे बाहर से लोग घुसपैठी हो गए, वो अपने जमीन को बेच के खत्म कर दिया, मातो लोगों ने अपना जमीन को बेच के खत्म कर दिया। तो आप लोग के सामने में है, आप लोग वो गमारिया और आदित्यपुर तो मातो बहुल क्षेत्र है, आज वो कहां कितने हैं वहां पे, सब तो बाहर के लोग आके बस गए। तो ये जो घुसपटिया को रोकने के लिए ही मातो समाज को, जाति को, वो अकेले नहीं और भी जाति को CNT में जोड़ा गया है। और दूसरा क्या वो आधार है, क्यों उसको रोका गया, कि मातो समाज भी झारखंड में विलुप्त ना हो जाए, इसलिए CNT कानून को लागू कर दिया गया है। अब क्या कहता है CNT कानून, मातो का जमीन जो लेगा तो मातो ही लेगा, यहाँ कोई बिहारी और बंगाली गुजराती नहीं ले सकता है, तो ये अच्छा ना है। जो बार बार देखिएगा उनका नेता लोग बहुत बोलता है कि किसको को बसाया, इसको बसाया, क्या क्या बोलते रहता है, उसका आप लोग जान ही रहे हो, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। तो भाई वो बसा कैसे, ठीक है, आज उन लोग ये भी बोलता है कि नहीं आदिवासी का जमीन में क्या नहीं बसा है क्या, अरे आदिवासी तो उसको साथ तो छलावा हुआ है, उसके साथ तो धोखा हो रहा है, उसको तो तरह तरह लग का प्रलोभन देकर, नशा पान ये सब खान पान का उसको प्रलोभन देकर आज उसकी जमीन को किस रूप से ले रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, उसके साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है, लीज एग्रीमेंट के तहत आज जमीन ले रहा है। सर तो आप बोल रहे हैं कि आदिवासी के साथ धोखा हुआ है, सुनने में ये भी आता है कि कुर्मी लोगों के साथ भी धोखा हुआ है, क्योंकि झारखंड जो बना है यानी कि कुर्मी लोग और हम लोग को मिला के झारखंड बना है और कुर्मी लोगों को भी आदिवासी बनाने यानी कि ST मान के ही झारखंड बना है, और दूसरी बात है कि CNT में ओलुंग भी है, इस प्रकार का कहने का बहुत सारा ये बातें मिलता है। नहीं, ये सब तथ्यहीन बात है,
झारखंड अलग होने का ऐसा कोई आधार नहीं था कि नहीं आप आदिवासी बनोगे, इसलिए ही आज हम लोग चलिए सब मिलके हम लोग झारखंड अलग लड़ाई लड़ेंगे राज्य के लिए, ऐसा कोई आधार नहीं है, बेतुकी बातें हैं। अगले हम लोग जिस प्रकार से बात करेंगे, काहे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि काहे कि कुड़मी जो आदिवासी अपने को आपको मान रहा है, अपने आपको आदिवासी कुड़मी समाज लिखता है, उनके पास क्या क्या रिपोर्ट है कि वो ऐसे दावा कर रहा है। सबसे पहले पब्लिक एक्शन न्यूज के सभी श्रोताओं को मेरा जोहार। जैसे कि हमारे कुड़मी भाइयों के द्वारा देखिएगा, हमेशा एक चीज बोला जाता है कि 1950 तक हम शेड्यूल ट्राइब में थे, लेकिन किसी कारणवश हमें हटा दिया गया है। उन लोगों के एक चीज हमेशा सुना जाता है हम लोगों। हम आपको माध्यम से बताना चाहेंगे, देश की पहली जनगणना 1872 में हुई है। उस जनगणना में जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें कुड़मी भाइयों को एग्रीकल्चर कास्ट के रूप में उनको जनगणना हुई है। फिर उन्होंने कहता है कि 1931 में तक हम थे, 1931 में हम प्रिमिटिव ट्राइब में थे। मैं बताना चाहूंगा प्राइमिटिव जो बताते हैं खुद को, तो प्रिमिटिव ट्राइब में कहाँ थे वो? कुछ हम डॉक्यूमेंट दिखाना चाहेंगे हम उनको, हमारे कुड़ी भाई को, अगर उन लोगों इस तथ्य को देख सकते हैं, उन लोगों भी खंगाल सकते हैं अपने स्तर से। 1931 का जनगणना जो है इसमें 24 आदिवासियों का लिस्ट है। इसमें हमारे कुड़ी भाई कहीं भी नहीं दिखता है, ये देख सकते हैं। इसमें जो सेकंड कॉलम है, इस सेकंड कॉलम में किसी भी कुड़मी भाई का जिक्र नहीं है यहाँ पे। उसमें भी उनको कब का रिपोर्ट है, यह 1931 का है, ये सेंसस रिपोर्ट है। इसमें उनको प्राइमरी टाइम में नहीं है, प्राइमरी में कहा है, इनमें प्रिमिटिव टाइम में है ही नहीं। इसमें देखिए कौन कौन है, आपको बताना चाहेंगे। इसमें असुर है, बेदिया है, भूया है, भूमिज है, बिरहोर है, बिरजिया है, चोरो है, गोंड है, हो है, जोंग है, उसके बाद खरिया है, खरवार है, केवत्री है, कोंड है, उसके बाद माल पहाड़िया है, मुंडा है, उराव है, संथाल है। इस तरह से हमारे 24 लिस्ट है। इसमें तो प्रिमिटिव ट्राइब नहीं है भैया कुड़मी, तो कहाँ से जिक्र करते हैं। फिर एक आ जाती है हमारे 1932 की, जो बोलते हैं 1932 में प्रिमिटिव ट्राइब हैं, तो उसमें भी तो उनको साफ साफ वर्णन किया है कुड़मी। देखिए देख सकते हैं आप लोगों ने कुड़मी, इसमें साफ साफ कुड़मी या क्षेत्रीय और हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट कह रही है। ये 1932 का रिपोर्ट नहीं, ये 1931 की है। अच्छा, ये 1931 का कुड़मी का जनजातीय जनगणना है, इसमें तो साफ साफ अंकित है आपका। और एक चीज है, उनका एक मरियम शर्मा का एक पुस्तक है, उस पुस्तक में भी द पोलिटिकल इनकॉन्डिली बोल के नाम है किताब, उसमें भी आपको कुड़मी को, कुनबी और कुनबी को, ये TRI का रिपोर्ट जो है उसमें भी कुर्बी कुर्मी को जो बाहर से आया हुआ बता रहा है। ये किताब कुर्मी भाई देख सकते हैं मंगा के, मरियम शर्मा का है। इस तरह का डॉक्यूमेंट है। और एक है सिंहभूम गजेटियर, इसमें भी 1898 में उल्लेख है कि कुर्मी तत्कालीन बिहार से आए थे। इस तरह का डॉक्यूमेंट है। और एक किताब पाया जाता है आपका अब्दुल फजल की, जो आईने अखबारी में लिखा जाता है, इनमें भी लिखा जाता है कि कुर्मी जाति का उल्लेख मिलता है कुर्मी पूर्व में मध्य हिंदुस्तान से प्रसिद्ध कृषि जाति के रूप में। ये उनका रिपोर्ट है। इस तरह से हमारे कुर्मी भाइयों का रिपोर्ट है। और एक रिपोर्ट उनको बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्टिव एंथ्रोपोलॉजी ऑफ बंगाल, इस पुस्तक में डाल्टन का लिखा हुआ है। इसमें उसको एग्रीकल्चर हिंदू कास्ट के रूप में वर्णित किया गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट के तथ्य पे ही पिछले 5 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो कुड़मी भाइयों ने प्याले किया था पीआईएल, उस पीआईएल को हाईजेक कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है ये 5 जून को। उसके बाद 19 तारीख जो इनको पूर्व में जो 20 तारीख को जो रेल टेका था, तो 19 तारीख में हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट का एक बयान आता है कि जो रेल टेका है एक असंवैधानिक है। क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के तथ्य के आधार पर कहा गया है। आज देख लीजिए हमारे झारखंड सरकार डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के द्वारा 3-3 बार उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आदिवासी का जो मापदंड है लोकल कमेटी के द्वारा, ये 5 में नहीं बैठता फिट, इसलिए 3-3 बार उनको रिजेक्ट कर दिया गया। इस तरह का है। उससे पहले हमारा जो झारखंड में एक बार PLI किया थे हमारे कुड़मी भाई लोगों ने 2015 में, वो PLI को भी 2016 में झारखंड हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आखिर क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है ये सब? ये तो सोचने वाली बात है। आखिर आदिवासी है तो आदिवासी के मापदंड में क्यों नहीं बैठ पाते हैं फिट? हमारी आपसे कोई दुश्मनी या जाति नहीं है। आप जो बोलते हैं कि हम अपना
सरकार से मांग कर रहे हैं, तो हम आदिवासियों भी सरकार को ये डॉक्यूमेंट अवगत करा रहे हैं कि जो ये हमारा जो संविधानिक हक और अधिकार है, ये हमारे कुर्मी भाई हमारे किसी भी जाति में जो आदिवासी का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो भाई आपका जब जगह है ही नहीं तो जबरन यहाँ पे क्यों फिट बैठना चाह रहे हैं? ये डॉक्यूमेंट बता रहा है आपको, और आप जो आप डॉक्यूमेंट बार बार दिखा रहे हैं, इसमें क्या साबित करना चाहते हैं आप लोगों? इस डॉक्यूमेंट को आप लोगों थोड़ा अध्ययन किया जाए, हम तो यही आपसे अवगत कराना चाहेंगे और आपसे विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट का अध्ययन करें। और वर्तमान में जो हमारा आदिवासी प्लस मूलवासियों का जो एक तो हम लोगों का जो भेदभाव उत्पन्न हुआ है, हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं इस चीज को यहाँ पे विराम लगाया जाए और डॉक्यूमेंट पर अध्ययन करें। क्योंकि देखिए पिछले दिनों कल हमारे माननीय अर्जुन मुंडा जी का भी एक बयान आया, हम लोग मीडिया के माध्यम से देखें कि केंद्र सरकार के पास भी ऐसा कोई फाइल निलंबित नहीं है जो आप लोगों दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको आदिवासी की सूची में सूचीबद्ध करें। बहुत बड़ा न्यूज है, काहे कि ये हम लोग आज का प्रभात खबर का हेडलाइन में भी हम लोग पहला पेज में हम लोग देख सकते हैं, ये उनका कहना है और हम लोग सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया के माध्यम से भी हम लोग देखा है, क्या है कि उन्होंने साफ साफ अपना शब्दों में कहा कि इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या प्रस्तावित ये हमारे पास नहीं आया है। ये यानी कि इस पे विचार करना चाहिए, इस पे हम जो ये आपसे ये पूछना थोड़ा चाहेंगे, क्या है कि मुंडा जी ने इस प्रकार बोला और कुर्मी लोग दावा करते हैं कि हम लोग कई दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत सारे चीज को लेके उन का संसद वगैरह भी कोई आवाज उठाए हैं, तो ऐसे क्या बात हो गया है कि कुर्मी किस तर्ज पे? अच्छा मुंडा जी जो बोल दिए हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है, ताकि ये जो इतना बड़ा बात कैसे करके बोल दिए हैं, क्या तथ्य है? देखिए सबसे पहले तो मुंडा जी का हम लोग बयान को स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उस सत्य चीज को उन्होंने पटल पर रखा है। और आदिवासी अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होने के लिए कोई आपके पास आधार रहेगा तब ना आपको आपका चर्चा होगा कहीं भी। हाँ सबसे बड़ा तो हुआ कि सुनवाई योग ही नहीं है, ये आपका कलकत्ता हाईकोर्ट ने नकार दिया है ना। और आपका सेम आज जो झारखंड बंगाल उड़ीसा में जो ये जो मामला है ये मताई संबंधित है, ये मणिपुर संबंधित है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि वहां का जो घटना घटा है वहां जो आज भी वहां आपका एक दूसरे पर किस तरह से भय का माहौल अभी भी वहां पे मणिपुर में है। क्यों? मतई जाति वहां पे उच्च जाति है, वो 57% है। कुकी जाति जो है अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध है, उसकी 43% है। वहां पे जो सरकार जो है राज्य सरकार जो है वो एनडीए का ही है, मैंने भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन की ही सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन की सरकार है, राज्य में उनका है और जो मुख्यमंत्री जो है वो मैतई समुदाय से ही बिलोंग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, वहां के मैतई जाति के जो लोग हैं वो हाईकोर्ट में प्याल दर्ज करता है और वो हाईकोर्ट सरकार को प्रेशर देकर मतई जाति को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध करने के लिए दबाव देता, मैंने घोषणा करता है, मैंने सुनवाई देता, फैसला देता है सरकार का, ये सरकार का दबाव को, सरकार को दबाव दिया कि इस जाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध कर दिया जाए बोलकर। ये मणिपुर हाईकोर्ट का फैसला है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। तो प्रेशर पॉलिटिक्स से आप कहीं भी किसी भी आप इतने बड़े कौम को, इतने बड़े जो 12 करोड़ हम अभी का जो आंकड़ा है हमारे आदिवासी का, जहां जो कोई हिंदू लिखा रहा है कोई ईसाई लगा अपने आप को कहला रहा है ना, फिर भी आज का रिपोर्ट जो है हम 12 करोड़ है और उसकी जो संस्कृति सभ्यता उसकी जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है जो है आप उस पर छेड़छाड़ करने के लिए आप इस तरह का आंदोलन कर रहे हो। आपको हम उस मणिपुर का ही बात बता रहा हूं, जैसे ही अंतिम पे हम लोग यही बात करेंगे, काहे कि आप लोग तो टीआरआई गए थे, बस टीआरआई का थोड़ा निष्कर्ष आपके तरफ से आप लोग क्या दिए और क्या आप लोगों को जवाब मिला, इस पे हम लोग समाप्त करते हैं इसी को लेकर। वो स्पष्ट रूप से निदेशक ने कहा कि आज तक हमारे शोध संस्थान में
किसी भी प्रकार का कुर्मी मातो जाति का उल्लेख नहीं है, आदिवासी से क्योंकि वो रिलेटेड ही नहीं है, बिल्कुल अलग है। 2004 का रिपोर्ट जो कहता है, और उसमें ऐसा बात नहीं है, लोग बात बात में आता है कि नहीं वो आदिवासी द्वारा ही रिपोर्ट किया गया दस्तावेज है, ऐसा नहीं है। वो हमारे पीपी महतो जी तत्कालीन इतिहास लेखक, उनके किताब का उसमें जिक्र किया हुआ है, उस रिपोर्ट में उनका किताब का जिक्र किया हुआ है कि कुर्मी जो जाति है वो कुर्मी क्षेत्रीय वंश के हैं, शिवाजी वंश के हैं, ये उल्लेख किया गया है। वो हमें हमारे साथ जो वो स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमारे साथ उनकी बहुत ही मैंने गलत व्यवहार था। तो इस ये में, इस बैठक में आप लोग कहाँ कहाँ के लोग उपस्थित थे? हम लोग आदिवासी सामान्य समिति रांची जिला, साथ ही साथ हम लोग संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन चांडील अनुमंडल के प्रतिनिधि मीट किए, कोल्हान से भी, वहाँ से भी प्रतिनिधि थे हमारे। तो इसी के साथ हम लोग बात कर रहे थे काय के टीआरआई को लेके लोग गया था, तो टीआरआई को लेके क्या रिपोर्ट है, और अर्जुन मुंडा का बात को लेके इन लोग को और ज्यादा बल मिल गया है लोगों को, और आगे हम लोग बात करेंगे पक्ष विपक्ष को देखते हुए। अभी आगे बहुत ज्यादा इस पे चर्चा होगी, तो इसी के साथ अब एक अंतिम आपसे हम जानकारी आपके माध्यम से उन लोगों को सुझाव देंगे। झारखंड एक बहुत ही धनी राज्य है, और झारखंड के जो हम झारखंडी हैं, जो वो राजनीतिक शिकार हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। आज हमारा झारखंड अलग लड़ाई एक उद्देश्य था कि हमें जो हमें वंचित कहा होते थे, नौकरी से हमें वंचित होता था, हमारे बच्चे, तो इसलिए मेरा एक सुझाव आपके माध्यम से होगा कि सरकार, राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार जो एक उन साधारण समाज के लिए जो है एक निर्णय लेके आया है, 27% आरक्षण जो कैबिनेट और विधानसभा से पारित हुआ है, ये फाइल केंद्र सरकार पर पड़ी हुई है। मैं कुर्मी नेताओं से मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप उस बिंदु पर आप आगे बढ़ो, धरना प्रदर्शन कीजिए, ताकि आपके जो बच्चे हैं जो आज बेरोजगार हैं, वो अगर 27% अगर आपका आरक्षण आपका पारित होता है तो आपका एक भी बच्चे आपका बेकारी नहीं होंगे। ये एक तो मेरा आपके माध्यम से उनको सुझाव है। मेरा जो 26% है उस पर आप नजर मत कीजिए, उस पर अलग रहेंगे, वो अलग रहेंगे। जिस जो सरकार आपके लिए एक आरक्षण लेके आ गया है, प्रस्ताव लेके आ गया है, कैबिनेट से पारित किया है, आपका विधानसभा से पारित हो गया है, तो वो तो थोड़ा सा आप प्रेशर अगर केंद्र को दे देते। आज जिस तरह से आप आदिवासी बनने के लिए, अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने के लिए जिस तरह से जो आप प्रेशर दबा रहे हो, उसी प्रकार अगर आप केंद्र सरकार को आप दबा पाते, क्योंकि अभी तो चुनाव भी है, एमपी चुनाव भी है, और वो 27% अगर आपको मिल जाता है तो हमको नहीं लगता है कि कल आने वाला दिन आप लोग को नौकरी के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो हम लोग इसी के साथ जिस प्रकार से एक संदेश हमारे मूलवासी यानी कि हमारे जो यहाँ के कुर्मी लोगों को भी एक संदेश दिया गया है, तो इसी के साथ हम लोग जिस प्रकार से अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आएगी, चर्चाएं आएगी। तो पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो आपके पास ये वीडियो आपके पास नहीं आ सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएं, और पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहे, और इतना तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।